अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। होप कि आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा। ये टाउन सेंटर में अक्सर ये लोग वहाँ आ जाते हैं और लोग इनको चैरिटी देते हैं। शॉपिंग शेयर करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाउन सेंटर का व्यू शेयर कर दिया जाए आप लोगों के साथ। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन मैं नेक्स्ट आउटलेट आई थी, क्योंकि आज नहीं बल्कि आज से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है यहाँ यूके में, जो कि वायरस की वजह से, वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने रातों रात डिसाइड किया कि लॉकडाउन कर दिया जाए और तमाम शॉप्स और नॉन असेंशियल शॉप्स बंद कर दी जाएं। फूड वगैरह की शॉप्स ओपन हैं। और ये मैं नेक्स्ट आउटलेट के अंदर आ गई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ शेयर किया जाए। यहाँ पे जी कर्टन्स बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी। कर्टन्स थे, बेडशीट्स थी और बहुत सा हाउस होल्ड स्टफ भी था, डेकोरेशन पीसेस थे। मैं इतनी ज़्यादा मूवी तो नहीं बना सकी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और इंशाल्लाह उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग भी शेयर करूँगी जो जो मैंने बाय किया था यहाँ से। लेडीज़ स्टफ बहुत सारा था, किड्स का स्टफ इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हम सेल के बहुत बाद में पहुँचे। और ऐसे ही होता है कि जब सेल्स स्टार्ट होती हैं कि तो शुरू के 4-5 दिनों में ही सारा स्टफ़ अच्छा अच्छा निकल जाता है। तो शॉपिंग करके फ्री ऑलमोस्ट हो गई थी और यहाँ मैं टिल पर थी और अपना बिलिंग का वेट कर रही थी। शॉपिंग करके जब स्टोर से बाहर आई तो बाहर ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और ये सब लाइट्स ऑन हो गई थी, जिसे देखकर बहुत ही दिल को अच्छा लग रहा था। और इतनी ज़बरदस्त ये कलरफुल लाइट्स थी जो कि बहुत ही प्यारा व्यू दे रही थी। आपको पता है कि सर्दियों के दिन कितने छोटे होते हैं और शाम कितनी जल्दी हो जाती है। उसके बाद मैं घर आई तो सोचा कि चलें जी अब आप लोगों से शेयर करती हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने एक शॉल बाय की थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट है, और ये आई थिंक दोनों साइड से यूज़ हो सकती है, क्योंकि अंदर से भी बहुत प्यारा प्रिंट है और बाहर से भी। और उसके बाद मैंने एक क्लच लिया था जो एक्सेसरीज से लिया था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 50% ऑफ हुआ हुआ था उस शॉप के अंदर, और ये बहुत ही प्यारा और डिसेंट और कलर, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था। इसके साथ मुझे मेरे पास सेम ड्रेस और शूज़ भी हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये जी है ब्लैक ड्रेस, ये वेलवेट का ड्रेस है और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसके स्लीव्स इतने प्यारे बने हुए थे, कफ स्टाइल था जो कि आजकल फैशन में है। और ये एक मैंने सॉक्स ली थी, ये बहुत ही वॉर्म सॉक्स हैं, ये इसके अंदर सारा वेलवेट और वो बहुत ही प्यारा सा स्टफ़ लगा हुआ है। इसके नीचे रबर से होते हैं जो कि आप फ्लोर पर पहन सकते हैं और स्लिप नहीं होते। ये मैंने एक एंकल शूज़ बाय किए थे, लॉन्ग शूज़ तो नहीं कह सकते, ये एंकल तक होते हैं, और ये बहुत ही नाइस डिसेंट और सिंपल से थे। उसके बाद जी ये एक मैंने शॉप से एक आई किट बाय की थी जो कि अभी बंद ही थी, मैंने खोलने की कोशिश कर रही थी। ये मैंने टी शर्ट्स लिए थे, ये इतने खूबसूरत और डिसेंट थे। ये देखें फ्रिल लगी हुई है, लेस लगी हुई है, और ये इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत था, और ये देखें पॉम पॉम है इसके ऊपर, और बहुत ही ज़बरदस्त डिसेंट। और ये मैंने नेक्स्ट से बाय किए। ये नेक्स्ट से एक और मैंने ओवन ग्लव बाय किया, ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये जी एक मैंने कर्टन्स बाय किए, जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि बहुत वैरायटी थी वहाँ कर्टन्स की, तो ये एक मैंने ले तो लिए, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ इसको लगाऊँगी। उसके बाद जी शॉपिंग भी हो गई, बाहर से भी घूम आए, तो अब खाना बनाना तो बनता है, खाने का टाइम हो गया था। और जी यहाँ पे मैंने मसाला चढ़ा दिया चूल्हे पर, ऑनियन ब्राउन हो रहा था, और उसके साथ ही मैंने उसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और जो भी नमक मिर्च मसाले मैंने ऐड करने थे वो सिंपल होते हैं, नमक मिर्च और हल्दी पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, वो मैंने डालकर मसाले को भुनाई के लिए रख दिया। उसके बाद जी ये एक सब्ज़ी यहाँ यूके में मिलती है,
ये जी एक तरह से घिया तोरी की तरह ही होती है, ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलती, तो ये मैंने पील ऑफ कर ली थी। उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया और एक साइड पर जो है वो मसाला भून रहा था, और देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। मैंने टमाटर बड़े बड़े डाले थे तो वो मैं भुनाई के दरमियान उनके जो छिलके हैं वो उतार लेती हूँ और फिर उसको ज़बरदस्त से भुनाई कर लेती हूँ। और बिल्कुल भी मुझे वैसे सालन में जो टमाटर के छिलके हैं वो अच्छे नहीं लगते, उससे खाने की सारी लुक ख़राब हो जाती है। तो जी चिकन मैंने उसमें डाल दिया था। ये जो सालन है ये मेरे बच्चों का मोस्ट 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 माशाल्लाह फेवरेट है, उनको ये बहुत पसंद है। और ये मैं जो हूँ ये राइस के साथ बनाती हूँ, चिकन के साथ वेजिटेबल। और यहाँ मैंने वेजिटेबल धो ली, कट कर ली, और उसके बाद अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं काटने से पहले भी वॉश करती हूँ, लेकिन काटने के बाद मैं वॉश इसलिए करती हूँ क्योंकि एक तो कहते हैं ना वेजिटेबल के अंदर अपना भी वाटर होता है, और थोड़ा सा उसको वॉश करने के बाद थोड़ा सा वाटर ज़्यादा हो जाता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब सब्ज़ी पक रही होती है तो वो खुद से ही उसके अंदर से इतना पानी निकल आता है कि वो उस पानी के अंदर ही गल जाती है, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना पड़ता उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको गलाने के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन की भुनाई कर ली और उसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर दी। और इसके अंदर मैं थोड़े से गरम मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालती, लेकिन इसमें काली मिर्च और जो लौंग हैं वो मैं साबुत ऐड करती हूँ, और मुझे साबुत गरम मसाले का फ्लेवर और उसका टेस्ट बहुत पसंद है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो भी सालन बनाऊँ उसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ज़रूर ऐड करूँ। और ये रेसिपी जो है ये मेरी सास की है, माशाल्लाह वो इतना ज़बरदस्त खाना बनाती हैं कि इंसान जो है ना वो बस उंगलियां चाटता रह जाता है। और मैंने खाना बनाना मोस्टली जो है वो उन्हीं से सीखा है। यहाँ जी इस सालन के साथ मैं राइस बनाती हूँ, और वो मैंने भिगो दिए थे वॉश करके अच्छे तरीके से, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं इनको बॉईल कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ये वाला जो स्पेशल सालन है ये राइस के साथ ही पसंद है, और वो कहते हैं कि जी ये हमने मामा के हाथ से ही खाना है। ये मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ कि वो खुद खा लें, लेकिन वो खुद से नहीं खाते, उनको मेरे हाथ से खाना पसंद है। और यहाँ जी सालन रेडी हो गया था, ये है जी सालन की फ़ाइनल लुक, और हमारा डिनर टाइम भी हो गया। होप कि आपको मेरी शॉपिंग और मेरा डिनर पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।